शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार दिए जाने के बाद उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। सलमान खान ने हाल ही में अबू धाबी में रेस 3 की शूटिंग पूरी की है और हालांकि अभी भी इस फिल्म का कुछ हिस्सा मुंबई में शूट किया जाना है। सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि रेस 3 के अलावा सलमान खान की भारत, दबंग 3 और किक 2 की भी घोषणा हो चुकी है। ऐसे में अब सलमान के जेल जाने से उनकी ये सारी फिल्में लटकने वाली है। ये तीनों ही प्रोजेक्ट करीब 550 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा बिग बॉस सीजन 12 और 10 का दम भी टीवी पर ऑन एयर होने वाला है। सलमान के टीवी शो 10 का दम के तो प्रोमो भी आउट किए जा चुके हैं। ऐसे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सलमान की वजह से तकरीबन 600 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें कि सलमान खान बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में शुमार है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने के लिए जानी जाती है। पिछले 10 सालों में सलमान खान ने कुल 15 फिल्में की हैं, जिनमें वीर, जय हो और ट्यूबलाइट ही बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने में नाकामयाब रही है। इसके अलावा उनकी सभी फिल्मों ने कमाई के मामले में लगातार उनकी पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड ही तोड़ा है। खैर, अब देखना तो ये दिलचस्प रहेगा कि सलमान इन फिल्मों की शूटिंग कैसे पूरी कर पाते हैं। NMF News की रिपोर्ट।